व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन, हमारे में और जानवरों में क्या अंतर बचा है? कुछ भी अंतर नहीं बचा। हम पेट भरते तो कुत्ता अपना पेट भरता है, हम नहाते तो भैंस जा पानी देखती हुई नहा लेती है, हम मकान बनाना जानते तो चिड़िया अपने से अच्छा घोंसला बनाती है, हम अच्छा नाचना जानते तो मोर अपने से अच्छा नाचता है, हम अच्छा गाना जानते कोयल अपने से अच्छा गाती है, हम 1.5-2 घंटे खड़े रहने की कैपेसिटी रखते एक घोड़ा पूरे जीवन भर खड़ा रहता है, हम दिन में 3 बार कपड़ों के कलर बदलते, कभी जीन्स पैंट कभी टी शर्ट तो कभी साड़ी तो कभी चुनरी, लेकिन एक गिरगिट होता है गिरगिट किरकाट, बिना कपड़े बदले 4 बार अपना कलर बदल देता है। तो बोलो कहीं ना कहीं तो जानवरों जैसा कर रहे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जिस दिन से भगवती गौ माता जी को जानवर समझना शुरू किया उस दिन से हम लोगों का जीवन जानवरों जैसा हो गया। इंसान की पहचान तो वैसे 4 चीजों से ही होती है, जिसके पास प्रेम होता है, शर्म होती है, दया होती है और मुस्कुराहट होती है। ये 4 चीजें जिसके पास होती है वो कहलाता है मानव, और इन 4ों में से अगर एक भी चीज चली गई तो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते 100 नर पशु बिन पूछ समाना, वो इंसान बिना पूछ के जानवर के समान है, जिसके पास प्रेम नहीं, शर्म नहीं, दया नहीं और मुस्कुराहट नहीं। और ये 4ों चीजें आप लोगों के जीवन से चली गई, आपके पास ना प्रेम बचा है, ना शर्म बची है, ना दया बची, ना मुस्कुराहट बची। मैं आपके मुख से कहलवा देता हूँ, चिंता मत करो, 40 साल पहले आपके साकरोदा की बात कहता हूँ, प्रेम इतना था कि एक घर में 4 भाई रहते थे, 4 की पत्नियां रहती थी, 4 के बच्चे रहते थे, 24 लोगों का परिवार एक साथ रहता था और एक चूल्हे की रोटी बनी खाता था कि नहीं खाता था, खाता था। और आज हालत ये है, इस सभा में भी कई दादा दादी ऐसे बैठे होंगे जिनके बेटा तो एक है लेकिन चूल्हे 2 जल रहे, डोकरा डोकरी अलग रोटियां बनाकर खा रहे और बेटा वो अलग लाइटर का बटन दबा रहे। बोलो प्रेम बचा है? प्रेम बिल्कुल नहीं बचा। दूसरी बात करूं मैं प्रेम की, पहले किसी पड़ोसी के घर पे कोई मेहमान आते ना, पड़ोसी के घर पे हम बुलाने जाते कि भाई साहब हमारे घर भी आना, कुछ नहीं तो दही लस्सी पी करके जाना। और आज हमारे खुद के घर में कोई मेहमान आ जावे 2 घंटे से ज्यादा रुक जावे तो हमें सिरदर्द होने लगता है, कब जाएगा कब शांति आएगी। बोलो प्रेम बचा है? नहीं बचा। जो भरे नहीं ये भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें अपनों का प्यार नहीं, प्रेम बिल्कुल नहीं बचा। दूसरी बात करूं मैं शर्म की, तो शर्म भी बिल्कुल चली गई। पहले मेरी राजस्थान की सभी माताओं के घूंघट यहां तक हुआ करते थे, अभी मत खींचो, पहले खींच ले ढीक रहे धा कहीं अभी खींच रही है। पहले मेरी राजस्थान की सभी माताओं के घूंघट यहां तक हुआ करते थे, पर पुरुष को अपनी मांग का सिंदूर मेरी राजस्थान की माताएं नहीं दिखाती थी, शर्म थी। मेरी 16 साल की 18 साल की बहन बेटी घर से बाहर निकलती थी, अपने कंधे पर एक लज्जा वस्त्र दुपट्टा डालकर के फिर घर से बाहर निकलती थी। और आजकल की बेटियों को देखो, उनके कपड़े देख लो तो लगता है कि कपड़ों की फैक्ट्रियां बंद पड़ गई है। बेटियों ने गवा दी। बेटे कम नहीं, 25 साल पहले कोई नौजवान पिता बन जाता ना बाप बन जाता, वो अपने बच्चे को लेकर के कभी बड़े बूढ़ों के सामने नहीं जाता, शर्म करता था, 1-1.5 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं जाता। और आज कोई 25 साल का नौजवान पिता बन गया, बाप बन गया, वो बच्चा ढंग से सूखता तक नहीं, उस बच्चे को हॉस्पिटल से उठा करके पूरे साकरोदा का राउंड मारता है, मुंह भी पापो बन गयो हो। बोलो शर्म बची? शर्म बिल्कुल नहीं बची। और तीसरी बात करूं मैं दया की, तो दया भी बिल्कुल चली गई। मेरी माताएं मुझे पता नहीं मंदिर जाती कि नहीं जाती, कबूतरों को दाना तो डालती हो, चिड़ियों को दाना डालती हो, हाँ कबूतरों को चिड़ियों को दाना डालती हो, और घर आने के बाद कोई चूहा दिख गया तो झाड़ू से मार देती हो। ये कौन से कंपनी की दया है? कीड़ी में कीड़ी बन बैठो, हाथी में भी तू को तू, बेट महावत हाकण लागो हाकण वाड़ो तू को तू। कीड़ी में भी वही परमात्मा है, हाथी में वही परमात्मा है, चींटी में वही परमात्मा है, लेकिन हम लोगों ने दया के नाम पर केवल दिखावा करना शुरू किया। और चौथी बात करूं मैं मुस्कुराहट की, तो वो भी आपके जीवन से चली गई। मुस्कुराहट इंसान की पहचान होती है, स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। जो इंसान मुस्कुराता है ना वो परमपिता परमात्मा को बहुत अच्छा लगता है। भगवान 4 भुजानाथ जी के चरणों में बैठ करके आप लोग गाय माता का सत्संग सुन रहे हो, फिर भी आप लोगों के चेहरे से लटके हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों जबरदस्ती मार कूट के बिठाया गया हम, या कोई पाकिस्तानी हमला होने वाला है? मुस्कुराओ मेरे भाई बहनों, मुस्कुराहट इंसान की पहचान होती है। देखो जीवन में साकरोदा वालों को कोई गधा मुस्कुराता नजर आए ना गधा, तो समझ जाना कि अगले जन्म में इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। और कोई इंसान अगर 24 ही घंटे मुंह लटकाता नजर आए तो क्या समझना चाहिए? हाँ गधा बनेगा, बड़े होशियार हो आप लोग। इंसान की पहचान होती है मुस्कुराहट से। मैं 2 लोगों की पहचान बता के जाऊंगा, साकरोदा वालों को, थामला वालों को तो बता दी, अब साकरोदा वालों को बतानी बाकी। 2 लोगों की पहचान, एक पापी को कैसे पहचानते और एक धर्मात्मा को कैसे पहचाना जाता है। और इस जगत में पापी को और धर्मात्मा को पहचानना बहुत मुश्किल बात हो गई। मैं आपको 2 लोगों की पहचान बताऊंगा, एक पापी की और एक धर्मात्मा की। जो इंसान हमेशा मुस्कुराता रहे,
संकट में भी मुस्कुराए, शमशान में भी मुस्कुराए, तो समझ जाना कि दुनिया का सबसे बड़ा पुण्यवान इंसान इसके जैसा जगत में दूसरा कोई नहीं। और जिसने बड़ी बड़ी मालाएं पहन ली, वो बड़े बड़े तिलक लगा दिए, कई सारी चोटियां रख दी, कई सारे ग्रंथ पढ़ लिए, कई सारा पाखंड कर दिया, और फिर भी चेहरा 24 घंटे लटका नजर आ गया, तो समझ जाना कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान उसके जैसा जगत में दूसरा कोई नहीं। क्योंकि परमात्मा ने इस धरती पर रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, जलचर, थलचर, नपचर बहुत सारे जीव बनाए, लेकिन परमात्मा ने मुस्कुराना केवल मानव शरीर को सिखाया, और ये मुस्कुराहट आप लोगों के जीवन से चली गई, आप लोग दुखी हो गए। मास्टर राजेश, मास्टर राजेश, राजेश।